साक्षी जैन और आप देख रहे हैं खबर इंग्रेड। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे हेडलाइंस की ओर। इंदौर में आजाद नगर गोलीकांड में पुलिस की कार्यवाही जारी। सुअर पकड़ने पहुंची टीम से इंदौर में हुई मारपीट। इंदौर के सराफा बाजार में फिर हुई आमजनी। इंदौर में स्वास्थ्य मंत्री ने सिखाए स्वस्थ रहने के गुर, किया व्यायाम। भारतीय टीम पहुंची उज्जैन के महाकाल दरबार में, की पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के मूसा खेड़ी पर बबलू ठाकुर पर गोलीकांड मामले में पुलिस ने संदिग्ध मामला बताते हुए जांच करने की बात कही है। पुलिस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराकर युवक पर आरोप लगा रही है। मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र के मूसा खेड़ी का है। बताया जा रहा है कि बबलू ठाकुर ड्यूटी के लिए जा रहा था, तभी दो बाइक सवार बदमाशों ने आकर बबलू पर देसी पिस्टल से फायर किया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। घायलों को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संदिग्ध बताया है। जानकारी के मुताबिक बबलू 2013 में चर्चित पिंटू हत्याकांड का आरोपी है और कहीं ना कहीं समझौते को लेकर झूठा प्रकरण दर्ज कर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था। फिलहाल पुलिस इस मामले को संदिग्ध बताते हुए जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जाएगा, जिससे स्पष्ट हो पाएगा कि घटना को वाकई अंजाम दिया गया है या समझौता करने को लेकर झूठी कहानी रची गई है। हालांकि सूत्रों की माने तो गोलीकांड की कहानी झूठी होने की बात सामने आ रही है। हाँ, शुक्ला नर्सिंग होम से कोई सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई गोली लगने से घायल होकर भर्ती हुआ है, जिसके बता उसके साथी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अभी तक मेडिकल में उसमें घटना की पुष्टि हुई नहीं, मतलब घटना की गोली चलने का हुआ नहीं, और इसके पुष्टि के उपरांत उस तरह की कार्रवाई प्रस्तावित है। सर, जो बता रहे हैं जो घायल है वो भी कोई अपराधी है? हाँ, उसका भी आपराधिक पृष्ठभूमि तलाश की जा रही है और उसके अपराध हैं बाणगंगा एरोड्रम में, उसके आपराधिक हैं जिसको भी एकत्र किया जा रहा है। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में बीती रात नगर निगम की टीम जब आवारा सुअरों व अन्य मवेशियों को पकड़ने पहुंची, तो मौके पर मौजूद तीन लड़कों द्वारा निगम की टीम से मारपीट की गई व अभद्र व्यवहार भी किया गया। इंदौर के सुख संपदा नगर की घटना में बीती शाम नगर निगम की टीम को क्षेत्र के ही तीन लड़कों द्वारा पत्थरबाजी कर व मारपीट की घटना को अंजाम देकर उन्हें भगा दिया गया। घटना के बाद निगम कर्मियों ने पुलिस की शरण ली। लसुड़िया पुलिस ने बताया कि मामले में सुअर मालिकों में दो लोग विक्की और बंटी को हिरासत में लिया गया है, वहीं एक अन्य सचिन फरार बताया जा रहा है। नगर निगम इंदौर की एक टीम थी जो आवारा मवेशी और कुत्ते तथा सुअरों को पकड़ने के लिए सुख संपदा नगर में आई थी। तो जब वो सुअर पकड़ रहे थे उस समय वहाँ के तीन लड़के बंटी, सचिन और विक्की, इन्होंने उनके साथ गाली गुप्ता करके पत्थर पत्थर मार के उनको भगाया, जिसमें दो कर्मचारियों को चोटें आई। इनकी रिपोर्ट पर हमने धारा 353, 332, 294, 506 का मुकदमा कायम किया है। बंटी और विक्की को गिरफ्तार किया मौके से और सचिन की तलाश भी कर रहा है। इंदौर में आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला शहर के व्यस्तम इलाके सराफा थाना क्षेत्र में हुआ, जहां शिरोमणि अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। गनीमत है कि नीचे बने दुकान के मीटरों में ही आग लगी थी, लेकिन मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने तत्काल आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। तंग गलियां व्यस्ततम इलाका होने के कारण दमकल की टीम को सराफा के अंदर पहुंचने में काफी समय लग गया, लेकिन लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं में फायर एक्यूमेंट न होने के कारण कई बार आग विकराल रूप ले लेती है, जिसमें जनानी का तो खतरा ही बना रहता है। वहीं दुकान में रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक हो जाता है, जिसको लेकर लगातार फायर विभाग द्वारा आम जनता को हिदायत दी जा रही है। कई जगह पर लगे फायर एक्यूमेंट तो काम भी नहीं करते हैं।
फिलहाल आगजनी की घटनाओं को लेकर जल्द ही आला अधिकारी बैठक लेकर आम जनता को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाएंगे। बड़े थाना में आग का झुंडा मिली हमको, तुरंत दो गाड़ी एक टैंकर लेके आए और हमने आग को काबू कर लिया। मीटरों में आग थी और 20 लोग हो जाएंगे, कोई ज़्यादा कोई वाले बात नहीं। इक्विपमेंट तो मिलते हैं पर बाकी जो कोई चल जाते हैं जो बाकी निकलते हैं। और हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि ट्राफिक अभी तो रात के समय है, इतना मतलब आराम से आ गए हम, इतना मतलब राजघाट के अंदर घूम नहीं सकते, इतना ट्रैफिक रहता है, इतना रोड पे मतलब गाड़ी निकाल नहीं सकते, इतना वो रहता है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सोमवार सुबह स्वस्थ रहने के उपाय बताते हुए मॉर्निंग क्लब के सदस्यों के साथ एक्सरसाइज की और सभी को नियमित व्यायाम करने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह मंत्री होने के बाद भी वह अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट को छात्र राजनीति से ही तुलसी पहलवान के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र और राजनीति बढ़ते कद से उन्हें लोग तुलसी भैया कहने लगे हैं, लेकिन पुराने दोस्त आज भी उन्हें तुलसी पहलवान ही कहकर बुलाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जो स्वच्छता के अंदर देश के अंदर नंबर वन आए हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के साथ सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है तो आप लोगों को जाता है। ये डेंगू भी मध्य प्रदेश में एक चुनौती के रूप में, मलेरिया एक चुनौती के रूप में, चिकनगुनिया एक चुनौती के रूप में, स्वाइन फ्लू एक चुनौती के रूप में, एक चुनौती हमारे सामने। इंदौर में हुए पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश को बुरी तरह हराने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री टीम के सपोर्टिंग स्टाफ और बॉलिंग कोच के साथ बीते दिन उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दरबार में माथा टेका। वहीं सभी ने राजाधिराज बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। इस दौरान सभी सदस्यों ने चोला पहनकर गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। वहीं हाल में बैठकर भगवान महाकाल का ध्यान किया। इस दौरान महाकाल मंदिर के पुजारी ने भारतीय क्रिकेट टीम के कोच एवं सपोर्टिंग स्टाफ से बाबा महाकाल का पूजन भी करवाया। वहीं भारतीय टीम के सदस्य VVS लक्ष्मण सोमवार सुबह बाबा की महाआरती में शामिल होने पहुंचे। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर इंग्रेज के साथ। जनता की बुलंद आवाज।